दोस्तों, इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि कैसे आप एडलिंक फ्लाई यूआरएल शॉर्टनर के साथ सेकेंड सेपलिंक वेबसाइट यूज कर सकते हो एंड अपना अर्निंग को बूस्ट कर सकते हो एंड एडसेंस अप्रूव्ड डोमेन है उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो बॉट ट्रैफिक से। सो विदाउट फर्दर वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, ये एक रिक्वेस्ट वीडियो था, मेरा एक सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट किया था, तो इस वीडियो को मैं बना रहा हूं। बहुत ही आसान एंड सिंपल तरीका है सेकेंड सेपलिंग अपना यूआरएल शॉर्टनर वेबसाइट से कनेक्ट करना। सो पहले तो दोस्तों डेमो दिखा देते हैं। सो जैसे कि मेरा यूआरएल शॉर्टनर वेबसाइट मैं ओपन कर चुका हूं और यहां पे मैं एक दोस्तों मैं यहां पे एक लिंक को शॉर्ट कर लिया। सो यहां पे कॉपी करेंगे और यहां पे जाके पेस्ट करेंगे। सो दोस्तों देख सकते हो पहले एक साइड आया जिसमें मेरा एडसेंस कनेक्टेड नहीं है। तो आप लोग क्या करो कि फर्स्ट जो साइड आएगा उसमें एडसेंस कनेक्ट मत करो, इससे थोड़ा अर्निंग कम होगा मगर सेफ रहेगा आपका एडसेंस डोमेन। यहाँ पे जो आप एड्स देख रहे हो ये जो एड्स है ये एस्ट्रा का एड्स है। एस्ट्रा डायरेक्ट एड से हम बैनर एड्स बनाए थे। कैसे मैं इस तरीके का एड्स बनाया उसका वीडियो मैं आई बटन पे दे दूंगा। यहाँ पे गेट लिंक पे क्लिक करेंगे तो देखो न्यू डोमेन पे ओपन होगा एंड जो ओपन होगा वो मेरा एडसेंस अप्रूव्ड डोमेन है। सो जैसे कि आप देख सकते हो ये एडसेंस अप्रूव्ड डोमेन है। तो सेकेंड सेप लिंक में अगर आप एडसेंस अप्रूव्ड डोमेन को यूज करते हो तो यहाँ पे एड ब्लॉकर लगा है, इसीलिए एडसेंस का एड नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो सेकेंड सेप लिंक में अगर आप एडसेंस अप्रूव डोमेन लगाते हो तो आपका एडसेंस में इनवैलिड एक्टिविटी जो प्रॉब्लम आता है वो प्रॉब्लम 99% सॉल्व हो जाएगा। तो इनवैलिड एक्टिविटी के वजह से क्या होता है कि एड लिमिट लग जाता है, तो एड लिमिट आने का चांसेस बहुत कम हो जाता है। ये मैं प्रैक्टिकली देखा, ऐसा कोई रूल्स वगैरह तो नहीं है गूगल का, मगर ये मैं प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके देखा। सो जैसे कि आप देख सकते हो सेकेंड सेप लिंक में मैं क्या किया, एडसेंस अप्रूव्ड डोमेन में डोमेन को लगाया। जस्ट फास्ट में एक डोमेन में आएगा, देन इसमें क्लिक करेगा तो डायरेक्ट आपका एडसेंस वाला डोमेन ओपन हो जाएगा। एंड यहाँ पे आई एम नॉट रोबोट जैसे कि सेप लिंक होता है देख सकते हो, पूरा प्रोसीड्योर थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा देते हैं। सो क्लिक हियर टू कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेगा तो आपका यूआरएल शॉर्टनर आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके का कैसे आप सेकेंड सेप लिंक यूज कर सकते हो उसके बारे में ही बात करने वाले हैं। आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे। अब बता देते हैं हाउ टू यूज सेकेंड सेप लिंक। पहले ऐसा सेटअप कैसे मैं किया उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे मैं वर्डप्रेस डैशबोर्ड ओपन कर चुका हूँ। यहाँ पे डब्ल्यूपी सेप लिंक पे जाएंगे। एडलिंक फ्लाई साइट को कैसे डब्ल्यूपी सेप लिंक के साथ कनेक्ट करते हैं उसके बारे में ऑलरेडी मैं वीडियो बना के रखा, आई बटन पे भी लिंक मिल जाएगा। अब देखिए ये जो फर्स्ट सेप लिंक साइट था इसमें एक ऑप्शंस मिलेगा जेनरल सेटिंग करके, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। जेनरल सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं सेकेंड सेप लिंक यूआरएल, मतलब आपका जो सेकेंड सेप लिंक रहेगा उसका यूआरएल यहाँ पे देना है विथ HTTP और HTTPS आपको यूआरएल डालना होगा। सो दोस्तों यहाँ पे सेकेंड सेप लिंक यूआरएल आपको डालना है, सेकेंड सेप लिंक जहां पे आप इंस्टॉल करोगे उस साइट का यूआरएल यहाँ पे डालना है। सो मैं जो साइट में ये इस साइट पे मैं सेकेंड सेप लिंक इंस्टॉल करके रखा तो इस साइट को भी मैं ओपन कर लेता हूँ। सो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो साइट है इसमें भी मैं डब्ल्यूपी सेप लिंक इंस्टॉल करके रखा। जो एडसेंस अप्रूव डोमेन है उसको आपको सेकेंड सेप लिंक में यूज करना है, तो आपको यहाँ पे उसका यूआरएल डालना है। ओके, इसका यूआरएल मैं यहाँ पे डाल दिया। ओके, अब देखिए ये जो मतलब यहाँ पे जो साइट में दिखा रहा था उसको कैसे सेटअप करेंगे, डब्ल्यूपी सेफ लिंक में आना है और उसके बाद टेम्पलेट पे क्लिक कर देना है। टेम्पलेट पे क्लिक करने के बाद टेम्पलेट 4 आपको यूज करना है। टेम्पलेट 4 यूज करेंगे तो आपको फर्स्ट एक पेज दिखेगा, जैसे कि मैं दिखा देता हूँ कौन सा पेज दिखेगा। यहाँ पे आपको टेम्पलेट 4 यूज करना है। टेम्पलेट 4 यूज करने से आपको इस तरीके का मतलब एक ही पेज दिखेगा, देख सकते हैं टाइमर भी चल रहा है और ये खत्म हो गया है। नेक्स्ट आप गेट लिंक पे क्लिक करोगे तो डायरेक्टली आपका एडसेंस डोमेन ओपन होगा
एडसेंस अप्रूव्ड जो डोमेन है वो ओपन होगा। एंड उसमें जो टेम्पलेट्स हम यूज किया यहाँ पे देख सकते हो, टेम्पलेट सेक्शन पे जाएंगे एंड यहाँ पे देख सकते हो टेम्पलेट 2 यूज किया। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट सेप लिंक में आपको टेम्पलेट 4 यूज करना है एंड सेकेंड सेप लिंक पे टेम्पलेट 2 यूज करना है। ऐसे सेटअप कर सकते हो एंड ऐसे बहुत ही आसानी के साथ सेकेंड सेप लिंक आप अपना एड लिंक फ्लाई के साथ कनेक्ट कर सकते हो। थर्ड सेप लिंक भी आप यूज कर सकते हो, सेकेंड सेप लिंक जो साइड है जनरल सेटिंग्स पे जाना है, उसके बाद आपको थर्ड सेप लिंक साइट का यूआरएल आपको यहाँ पे पेस्ट करना है, तभी आप थर्ड सेप लिंक भी यूज कर सकते हो। मगर इन जनरल 2 सेप लिंक काफी है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए एंड टेक फॉर यू चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं और भी किसी एक्साइटिंग वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय एंड टेक केयर।